हेलो नमस्ते। तो हम जा रहे हैं अपनी बाजार। अपनी बाजार यानी हम जा रहे हैं कहाँ, बाजार ही जा रहे हैं। हमारी एक बहन है और एक हमारी बेटी आगे आगे फिर दौड़ी हुई घूमती हुई जा रही है, लेकिन देखती नहीं है। तो बस यही वो गली वो रास्ता फिर हम सोचे लो दिखा देते हैं आपको, कहीं आप भूल ना जाए। इसके लिए वो रास्तों पे वापस से जाना ज़रूरी है, जहाँ हम पुराने जो हमारे रास्ते हैं उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए, इसलिए हम वो रास्तों से आपकी मुलाकात करा देते हैं। तो चलिए इनके साथ फिर चल रहे हैं। अगली दफा भी इन्होंने मुझे सड़क ही दिखाया था, इस बार भी कुछ इस बार अच्छा नहीं करेंगे। सारा घूम के आई हैं, गांधी पार्क और पता नहीं कौन कौन सी जगह जाके भी आ गई है। इनके भरोसे हम खाली यही सड़क देखते, तो हमने कहा पुरानी डगर है और इन पुराने से मिला के कि भैया ये बदले नहीं है, ये वही रास्ता नहीं, नहीं, हमें हम बदलेंगे आज अपने बालों में कलर करेंगे। अच्छा मतलब रास्ता चाहे अच्छा लगे चाहे बेकार लगे बस कलर कर देंगे। मैं भी करने वाली हूँ। ये भी करेगी, ये मेरा साथ देगी, ताकि वो कहावत तो सुना होगा कि देखे देखे पुण्य देखे देखे तब कौन। हम अकेले नहीं जाएंगे, हम अकेले नहीं मरेंगे, मरेंगे तो तुमको साथ लेके। हम अकेले नहीं डूबेंगे, तुमको संग लेके सनम डूबेंगे। वही समझ लीजिए। तो हमने सोचा कि लो हम भी, अच्छा इन लोग कर रहे तो हम भी कर ही लेते हैं कलर। अच्छा अच्छा लगेगा। अब वो आप जैसे डिसाइड किया अपने आप पे, अब आप अपना अपना डिसाइड। आप लोग कौन सा कलर करेंगे? सब ऐसे देखे जैसे कोई बात नहीं, फिर चलते कलर वलर ले लेते बालों को। मैं बताती हूँ सुनो, इनका डायलॉग आ गया। मैं बताती हूँ, मेरे हाथों में फोड़ी हो चुकी है, वहीं पे फोड़ कर रही है और बालों में कलर करने के बाद ये कह रहे मैं हेयर कलर करवाने वाली हूँ। मैं साफ बोलो कह रहे मैं नाम है उसका। अच्छा इनका पता नहीं, इनका पता नहीं। मैं भी वही करूंगी, जहाँ तुम जाओगे वहीं पे जाएंगे ना। हम चल रहे हैं, अगर ये हम चल नहीं रहे, बैठे बैठे तो नहीं है। फिलहाल कड़क सी धूप है, उसपे नेचुरल लाइट मिल रही है। हाँ, जिसमें से कल आधी अधूरी दिख रही है वो इनकी मेहरबानी है। ए हथवा का बहनी भूत परी अथवा जोन का ही दही आगे। सुनो, आज हम कलर करेंगे बालों को। अपने बालों को कलर करने बाद जब वो सही हो जाएगा तो अपने फैमिली वालों को और आपसे जरूर शेयर करेंगे। कलर करते वक्त का दिखा दीजिएगा, हम उनको पूछेंगे कि कैसा है। अगर किसी ने ये बोल दिया अरे ये क्या, ये तो टट्टी है, तो बेकार। ऐसा कोई नहीं बोलेगा, वो कट कर देंगे। क्या टट्टी नहीं, फैमिली वालों से बात ऐसा कलर हम लोग लगाने नहीं वाले, बट डर लग रहा है, फर्स्ट टाइम है क्योंकि बालों में कभी मेहंदी नहीं लगी। एक्चुअली ये सब बोलते हैं, हमने फर्स्ट टाइम लगाया मेहंदी भी, मैंने सच में नहीं लगाया, मैंने भी नहीं लगाया है। ये बच्ची मेरी है तो मेरे को पता है, इसने भी नहीं लगाई है। तो हम लोग झूठ नहीं बोलते, अरे इसकी बच्ची है, मतलब मेरी बहन की। मैंने कौन सा लगाया बता सही देखते लड्डू मिलता है। एक बात है, हमारी बेटी जब भी बोलती मुंह में लगता है लड्डू लेकर बोलती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो विमल का तो बोलती। हमारी एक बेटी वहाँ पे दुखी खड़ी थी। नहीं एक्चुअली मम्मी, मेरी मम्मी अजय देवगन की फैन। हाँ वो एक्चुअली वो अजय देवगन। हम सबको मिल गया है रिक्शा और हमारे साथ ये चल रही है इनका ये डायलॉग, और ये जा रही है रिक्शे में। जितने इनके दांत होंगे आज तक आप लोगों ने तो गिन ही लिए होंगे। मैं तो हंस लेती हूँ, मेरा जो मुंह बंद करके जो फोटो है ना कितना। अंबोड़ा खुल चुका, अंबोड़ा बांध दिया गया है। सवारी ने ऐसी बात लेकिन बाल तो गई, बाल बाल बिखर गए। हाँ और आ चुके हैं मोहना और अब हम दुकानों पे जाएंगे। साइड में आ जाइए, गाड़ी आ। ये हमारे घर की पुरानी आदत है कि खुद साइड में नहीं आएंगे, लेकिन ना गाड़ी आएंगे, खुद साइड में नहीं आएंगे लेकिन बोलते रहेंगे साइड में आ जाओ। देखिए हम फिर आए हैं पुराने अड्डे पे, लेके आए हैं, बताने की जरूरत नहीं क्या लेंगे। बर्गर प्रेम देख लो तुम्हारी मौसी। मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ, मैं
मर्जी से नहीं खा रही, मैं अपने प्रेम के लिए खा रही हूँ, अपने बच्चे के लिए। कचेड़ू देख लो, ये खचेड़ू से मैं बोलती हूँ, मैंने नाम रखा। मैं भी बोलूँगी ना खचेड़ू, मैं जो बोलती हूँ उसको अभी नहीं बोल सकती। कबूर होया वो रुला सकता है, प्रेम प्रेम तो रोता है, मुझे नहीं पता था, लेकिन बता दू प्रेम तभी मैं बोली थी। आज भी खुद खुला हुआ बर्गर खाने के लिए, बर्गर आया नहीं अभी से खुला। हमने तो आ गए हम आज के मोहना से अस्तर अस्तर लेके, और मेरी बहन ने बहुत अच्छा सामान लिया। गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है, आने दो जो मेडिकल वाले ने। राजू पहले ये अभी तो भैया मेडिकल वाला ने मुझे बहुत सीख अच्छी दी है जो लाइफ में इनको काम आएगी, तो बहुत अच्छे सामान ले चुके हैं। हाँ, ये रहा मेरी लड़की के लिए बैठ लिया मैंने, की आत्मा आ जाती है इनमें। हट साइड हट, अबे बाय का शर्म लिया से आते बड़ी बहन के ऊपर हाथ उठाते हुए तुम लोगों को। हाँ? तुम लोगों को नहीं, छोटी वाली दीदी वहाँ वो थोड़ी ना उठाई, मैं अकेले बेचारी कल हमको याद कर रही थी। अच्छा मुझे मेरे भाई की हंसी याद आ रही है, और वो हंसता हुए चेहरे के पीछे जो दांत टूटा हुआ था वो भी दिखाई, वो दिखाई दे रहा है। देख लिए भ्राताश्री, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करूँ लेकिन ये कर रही है। अब अफसोस की बात है जब हम आते, वाह डक्कार इन डक्कार, अफसोस की बात है जब हम लोग आ रहते हैं तो रीता की कमी रहती है और मेरे भाई की। वैसे मेरा भाई चल नहीं पाएगा इतनी दूर पैदल, उसका यही रहेगा गाड़ी पे। सुनो, ये सब चारों भाई बहन इकट्ठा होंगे मेरी बुआ की शादी में, और मेरी जो बहन अनीता, अनीता बोल रही है पर वो तो आलसी है, बेकार पे दो इग्नोर कीजिए, छोटी दीदी होती तो फटाफट चलो अभी जाना है घर पे, ये काम है। मैं रस्ते से मैं काम करने लगा था, भैया हम बर्तन मांजे के झाड़ू लगा के पोछा मारे के कपड़ा घड़ी करे घर के, भाई खाई मैं साइड समझदार हो गई लड़की। हाँ क्या करें, बस वापस जाना है। नहीं का गाँव मस जाती ऑफिस, बकवास करती हैं ये तो एकदम। और मेरी भाभी होता है हम लोगों में कि जब हम तीन में से या हम चारों में से तीन होते हैं तो एक नहीं रहता है जगह पे। और अब भाभी जी हमारी जब चलती है तो अगर अभी तक का तो फिलहाल आई नहीं मोना, अगर आप मोहना आती तो आपके क्या हाल होते हमारे हाल? कुछ नहीं, भाभी लाल लाल हो जाती है। भाभी जल्दी ओला बुक करे क्या? ओला मिल रही है गाड़ी नहीं हो रही, वो भी मस्ती करते हुए चलती फिर भी। लेकिन इनको मेडिकल है मेडिकल मार खींच, ये देखिए हरियाली का आनंद लीजिए। शाम शाम होने को आई ना? नहीं अच्छा मतलब देखिए मौसम कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या है मिन्नी, गन्ना है ना? नहीं ये देख लीजिए। तो हम चलते हैं घर पे और फिर आपसे मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसे यहीं पे विश्राम देते हुए यही बोलते हैं ना सीमा जी, सीमा जी विश्राम ही बोलते हैं ना। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे विश्राम देते हैं, फिर नई शुरुआत नई मुलाकात हम करेंगे सुबह सुबह। जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं दीदी के तो प्लीज वीडियो पूरा देखिए और उसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप आधा छोड़ के चले जाते हैं पीछे से डकार के, इग्नोर कीजिए आप वीडियो छोड़ के आगे चले जाते हैं तो फिर वो यूट्यूब वालों को लगता है कि हमारे वीडियो में दम नहीं है तो वो आगे भी दिखाते नहीं है। तो प्लीज़ एक छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए, और मेरी दीदी के दशा में ओवर एक्टिंग नहीं करेंगे, वड्डा बड्डा सड्डा
परिवार बना दीजिए। छिछोरी हरकत मैं नहीं करूंगी। देखो छिछोरी हरकत करेंगे तभी तो उम्र निकलेगी और ऐसे रुकी रहेगी। भाई तो चल देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे कुछ रिलेटिव आ रहे हैं पर हम लोग यहाँ इग्नोर करके आगे चलते जा रहे हैं। बिकॉज कहाँ आ गए, बहुत पीछे है भाई, ये डरवा रही है। अरे बाय बाय, सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसे ही खा गया उसने तो। ये प्लास्टिक बोल थोड़ी है, ये प्लास्टिक ही है, देखो वो फूट ही जाएगा एक मिनट में, वो बॉल ये भी 15। देखिए जिंदगी का सफर है भाई, जिंदगी का सफर, देखो 15 रुपए ये देखो, 15 रुपए का बैट खरीदा, बॉल खरीदा, ठग लिया, सारे हराम खोर लोग ने पूरा पैसा वेस्ट कर दिया। 15 रुपया एक दिन में 15 रुपया। भाई खा रही है, भाई खा रही है, भैया रास्ता दीजिए, भाई खा रही है मैनू। अच्छा हम ही लोग इतने शरीफ है जो बाइक को रास्ता दे रहे हैं इतने आराम से शिद्दत के साथ। भाई जिंदगी का सफर है तो इसको हंसते मुस्कुराते हो करिए। बहुत जन है सदा सोगी महारोगी बन जाते, इतना बनने की जरूरत नहीं रहती। और जो लोग ये सोचते हैं कि उम्र के हिसाब से टेम्पो नहीं आ रही यार, अरे आगे आ रही है, हाँ बढ़ जाएंगे। जो लोग सोचते हैं कि उम्र के तकाजे के हिसाब से अपनी मुस्कान को कंट्रोल कर लें, तो भाई ये गलत सोच है, मुस्कुराते रहिए। कहने वाले तो आप नहीं मुस्कुराएंगे तो भी कहेंगे, और मुस्कुराएंगे तो भी, तो मुस्कुराते क्यों ना हम उनकी बातों को लिए ले लिया जाए कि हाँ भाई मुस्कुराहट बहुत वो है। एंड बाय बाय।